लखनऊ कानपुर व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर का बड़ा कदम है। लापरवाह थाना प्रभारियों पर सख्त हुए हैं पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने जारी कर दिए हैं निर्देश। थानों पर रिस्पांस टाइम अच्छा नहीं होने पर होगी कार्यवाही। लापरवाही के चलते महानगर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार लाइन हाजिर। छेड़छाड़ की शिकायत पर देरी से पहुंचे थे थाना प्रभारी अशोक कुमार। तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर है जहां लापरवाही के चलते महानगर प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं छेड़छाड़ की शिकायत पर देरी से पहुंचे थे ये प्रभारी अशोक कुमार। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर का बड़ा कदम है लखनऊ में ये। तो आपको बता दें कि लापरवाह थाना प्रभारियों पर सख्त हुए पुलिस कमिश्नर। लगातार जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही देखने को मिलती है उसको लेकर पुलिस कमिश्नर सख्त हुए हैं। तो वहीं हमारे साथ संवाददाता अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरुण, अगर देखा जाए जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर सख्त हो रहे हैं, क्या ये कमिश्नरी जब से आई है लखनऊ में उसको देखते हुए यह सख्ती दिखाई जा रही है कि पुलिस एक लाइन पर आ जाए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से पुलिस कमिश्नर लगातार सख्त हो रहे हैं, इसके पहले एक भ्रष्टाचार पर एक थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया था, इसके बाद आज जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, कोतवाल के विपक्ष से शिकायत करने के बाद देर में पहुंच रहे हैं कोतवाल घटना स्थल पर, इसको लेकर कहीं ना कहीं कमिश्नर अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो भी कोतवाल प्रभारी लापरवाही बरतेगा क्राइम को लेकर या विवेचनाओं को लेकर उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर महानगर के वहां के जो थाना प्रभारी हैं अशोक कुमार, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसी हिसाब से एक संदेश भी पुलिस कमिश्नर की तरफ से है कि अब जो लापरवाही करेगा थाना अध्यक्ष, किसी भी घटनाक्रम पर देर में पहुंचेगा या किसी की लापरवाही होती है तो उन थानाध्यक्षों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।